प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं दीपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंग डे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक जिसका नाम है उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग एवं प्रत्यय ऐसे कह सकते हैं आप हिंदी व्याकरण में, ऐसा शीर्षक कह सकते हैं जिससे कि व्याकरण में वाक्यों का निर्माण होता है, पहले शब्दों का और फिर वाक्यों का निर्माण होता है। उपसर्ग एवं प्रत्यय से हम जानेंगे नए शब्द किस प्रकार से बनते हैं, उपसर्ग कहाँ लगते हैं जब उपसर्ग का निर्माण होता है, और प्रत्यय कहाँ लगते हैं जब प्रत्यय का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको। इंग्लिश में बोलते हैं उपसर्ग को बोलते हैं हम प्रीफिक्स, और प्रत्यय को बोलते हैं हम सफिक्स। तो हम देखते हैं हिंदी भाषा में शब्द निर्माण चार प्रकार से होता है, उपसर्ग और प्रत्यय तो है ही, इसके अलावा संधि और समास। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश है, अर्थात ये पूरे शब्द नहीं है और ना ही इन वाक्यों में अलग से प्रयोग किया जाता है। ये दोनों ही शब्द के साथ जुड़ जाते हैं और इनके जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकार उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगेगा और उस शब्द का नया अर्थ निकल जाएगा, और इसी प्रकार प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगेगा तो शब्द का नया निर्माण हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि उपसर्ग क्या होता है। कुछ शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। एक शब्द दे दिया गया आपको, जैसे कि दे दिया गया रिक्त। अभी शब्द रिक्त, रिक्त है यानी कि खाली। अब इसके आगे अगर हम अति लगा देते हैं, अति उपसर्ग लगा देते हैं। उपसर्ग होते हैं जो शब्दांश के आगे जुड़ते हैं, वो शब्द का अंश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर दे वो कहलाता है उपसर्ग। तो रिक्त के आगे हमने अतिरिक्त जोड़ दिया, तो अतिरिक्त का अर्थ तो होता है अधिक, बहुत ज्यादा, तो अर्थ का ही पूरा बदलाव हो गया। रिक्त यानी तो खाली था और अतिरिक्त का हो गया अधिक। अति उपसर्ग लगते ही शब्द का जो अर्थ है वह चेंज हो जाता है, अर्थ में बदलाव आ जाता है। जैसे शिक्षित शब्द का अर्थ है पढ़ा लिखा, और यदि इसमें हम अ उपसर्ग जोड़ दें तो हो जाएगा अशिक्षित, यानी कि बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। तो अर्थ का किस प्रकार से बदलाव होता है एक उपसर्ग इतने से वर्ण को जोड़ने से या इतने से शब्द को जोड़ने से, वह कहलाते हैं उपसर्ग। तब इसका प्रयोग होगा जब अशिक्षित हो जाएगा तो होगा जो पढ़ा लिखा नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं बल। तो सबसे पहले यदि प्र लगा दें तो नया शब्द बन जाएगा प्रबल, तो इसका अर्थ हो जाएगा विशेष शक्ति वाला। और यदि निर लगा दे तो बन जाएगा निर्बल, तो इसका अर्थ होगा जिसमें कोई शक्ति ही नहीं है, वो शक्तिहीन है। तो देखा आपने कि किस प्रकार से उपसर्ग ही है। उपसर्ग में अगर हम प्र उपसर्ग लगा देते हैं और उसी प्रकार हम निर उपसर्ग लगा देते हैं तो किस प्रकार से शब्दों का जो है अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो अब संस्कृत के सबसे पहले उपसर्ग देखते हैं। कुछ उपसर्ग मैं आपको बताऊंगी और आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से भी आपको बहुत सारे उपसर्ग दे रखे हैं, उन उपसर्ग को आपको पढ़ना है। जैसे हमने अति का आपको उदाहरण दिया कि संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण है, इसी प्रकार हम देखेंगे अधि। अधि यानी होता है ऊंचा या श्रेष्ठ, तो अधिकार हो सकता है, अधिकृत हो सकता है, अधिकरण या अधिकारी, इससे बन जाएगा। और उपसर्ग हमेशा ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं, शब्द के हमेशा आगे लगते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जुड़कर शब्द का नया निर्माण करते हैं, जबकि उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे जुड़कर शब्द का नया निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, तो अनुवाद हो जाएगा, अनुरूप हो जाएगा। अनु का अर्थ पीछे और समान दोनों हो सकते हैं, तो अनुवाद, अनुरूप, अनुभव, इस प्रकार। इसी प्रकार हम देखते हैं अव। अव का होता है निश्चय या बुरा, तो अवगुण हो सकता है, अवधारणा हो सकता है, अवतार, अवकाश, कुछ भी हो सकता है। उप यानी कि समीप, तो उपस्थित, उपदेश, उपवन, उपग्रह, उपसंहार, ये सभी हो जाएंगे। तो ये थे संस्कृत के कुछ उपसर्ग। इस ये बहुत सारे उपसर्ग दे रखे हैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक में, तो आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से पढ़ने हैं। इस प्रकार हिंदी के उपसर्ग दे रखे हैं। हिंदी के उपसर्ग में आएंगे सबसे पहले अन। अन का अर्थ होता है नहीं, तो अनपढ़ हो जाएगा, अनजान हो जाएगा, अनहोनी, अनकही, ये सब हो जाएंगे। इसी प्रकार कु से बुरा, तो कुपात्र, कुरूप, कुकर्म, कुचाल, ये सभी, जो कि देखा आप देख रहे हैं कि शब्द के आगे लगकर नया अर्थ बना रहे हैं।
इसी प्रकार सु यानी कि अच्छी, तो सु सुजान, सुपुत्र, सुकर्म। इसी प्रकार बिन यानी बिना या रही, तो बिन मांगा, बिन ब्याहा, बिन कहा, ये सभी। नी यानी कि नीचे, तो निहत्ता, निडर, निवास, नियुक्त, ये सभी। ये सभी हिंदी के उपसर्ग हैं, ये आपको पढ़ने हैं। फिर आते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू में आपको शब्द से ही पता लग जाएगा कि ये उर्दू का ही शब्द है, क्योंकि उर्दू के शब्द बहुत भिन्न तरीके से होते हैं हिंदी के शब्दों से, हिंदी के शब्दों के उपरांत। तो बे से बन जाएगा बिना या रहित, तो बेहोश, बेईमान, बेरहम, ये सारे उर्दू के शब्द है, बेगुनाह, बेहिसाब, ये सभी। इसी प्रकार ना से बनेगा तो नालायक, ना खुश, ना समझ, ना पसंद, ये सभी उर्दू के शब्द हैं। ला से बनेगा अभाव या बिना, तो लापता, लावारिस, लाइलाज, लापरवाह, ये सभी। तो ये सभी उर्दू के शब्द हैं, शब्दों से आप पहचान जाओगे कि ये उर्दू के शब्द हैं। फिर अंग्रेजी के उपसर्ग आते हैं, तो सब इंस्पेक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, ये सभी आ जाएंगे। डिप्टी, तो डिप्टी मिनिस्टर, इस प्रकार से डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, ये सभी। वाइस, तो वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, ये सभी आ जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट इंजीनियर, ये सभी आ जाएंगे। चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, ये सभी आ जाएंगे। और जनरल में जनरल मैनेजर, जनरल डायरेक्टर, ये सभी आ जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि ये अंग्रेजी के उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा शब्दों के आगे ही लगते हैं। अब हम आगे चलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? जो कुछ शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर, अंत में यानी पीछे, जब शब्द समाप्त होता है उसके पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, तो उसे हम कहेंगे प्रत्यय। प्रत्यय का उदाहरण, जैसे पाठ में अक जुड़ से बन जाता है पाठक। हमने यहाँ पर लिखा पाठ और इसमें हमने जोड़ दिया अक, तो क्या बन गया? पाठक। अब आप इसको यूं नहीं लिखोगे कि पाठ अक, क्योंकि ये जो अ का उच्चारण है ये थ में मिल चुका है। किसमें? थ में मिल चुका है, तो आपको ये अ लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिख दोगे? पाठक, यानी कि पढ़ने वाला। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्यय केवल शब्दांश है, इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं तथा इनके प्रयोग से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब हम देखते हैं कि संस्कृत में प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय। अब हम सबसे पहले देखते हैं कृत प्रत्यय क्या होता है। वे प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं तथा संज्ञा और विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, कृत प्रत्यय के बने शब्दों को कृदंत भी कहा जाता है। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं। जैसे क्रिया हो रही है, किसी प्रकार की कोई क्रिया है, खाना, बैठना, पढ़ना, उसका जो धातु रूप है उसके बाद में वो प्रत्यय लगेगा। जैसे गा, अब गा में हमने वैया जोड़ दिया तो हो गया गवैया, वैया। गा एक क्रिया है और उसके धातु रूप के बाद हमने वैया जोड़ दिया तो हो गया गवैया। इसी प्रकार पढ़ एक क्रिया है, उसमें हमने आकु प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया पढ़ाकु, यानी कि पढ़ने वाला। तो इसी प्रकार क्रिया के धातु रूप में लगने वाले, क्रिया के बाद धातु रूप के साथ लगने वाले कहलाते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के बहुत सारे उदाहरण है, जैसे आई से लिखाई, पढ़ाई, कढ़ाई, ये सब हो सकता है। अलीय से पठनीय, कथनीय, ये सब हो सकता है। अक्कड़ से भुलक्कड़, घुमक्कड़। आलू से कृपालु, दयालु। आन से उड़ान, मिलान। तो ये सभी प्रत्यय आपको पढ़ने हैं। कर से देख कर, सुन कर। मतलब ये है कि शब्द के अंत में आपको लगा हुआ मिलेगा प्रत्यय। अब हम चलते हैं आगे तदित प्रत्यय की तरफ। तो तदित प्रत्यय में क्या होता है? जो प्रत्यय धातु को जोड़कर अन्य संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्ययों आदि के बाद लगकर नए शब्द बनाते हैं वे कहलाते हैं तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय क्या होते हैं? जो धातु को छोड़कर अन्य संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय आदि के बाद लगते हैं। जैसे गरीब, गरीब क्या हो गया? कुछ भी हो सकता है, विशेषण। गरीब क्या है? विशेषण है। अब गरीब है, गरीब पे हमने ई प्रत्यय लगाया तो बन गया गरीबी, तो हो गया वह विशेषण की विशेषता बताने वाले। इसी प्रकार अपना, अपना में हमने पन जोड़ा तो अपना पन बन गया, तो ये बता रहे विशेषण। कुछ भी हो सकता है, संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है। जैसे एक से सामाजिक, ऐतिहासिक, पीछे आपको उच्चारण में एक मिलेगा, ऐतिहासिक। सिख ऐसा, मतलब ये नहीं कि इसमें तो सिख प्रत्यय है, सिख प्रत्यय नहीं होता। सिख में आप देखिए उच्चारण में ई आ रहा है, एक। ऐतिहासिक, इस प्रकार सामूहिक,
एक प्रत्यार है। इसी प्रकार बड़ी से तो ढोल की खेती क्रोधी ये सभी बनेंगे। इया से घटिया बुढ़िया खटिया ये सब बन जाएगा। इला से गठीला सजीला रंगीला रसीला, यानी कि कुल मिला के प्रत्यय है वो शब्द के अंत में लग कर नए वाक्य का निर्माण करते हैं, नए शब्द का अर्थ परिवर्तन करते हैं। तो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसका अर्थ भी बदलता है। और उपसर्ग होते हैं वो हमेशा शब्द के पहले लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन करते हैं। रिक्त का अर्थ खाली, जब अतिरिक्त लगा दिया तो हो गया अधिक या ज्यादा। तो इसी प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय आपको समझ में आए होंगे कि उपसर्ग का प्रयोग हमें कैसे करना है और प्रत्यय का प्रयोग हमें कैसे करना है। आपके पाठ्य पुस्तिका में बहुत सारे उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण दे रखे हैं और आपको वो उदाहरण पढ़ने हैं और आपको समझना है कि किस उपसर्ग से क्या बनता है। एक बात और है इसके अंदर कि उपसर्ग में हमेशा जैसे अति, तो अति का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि अति का अर्थ होता है अधिक। और जब आप उपसर्ग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उपसर्ग के जो शब्द हैं उनके आगे अर्थ भी लिखे होंगे और वो अर्थ आपको पता होना चाहिए। लेकिन प्रत्यय में हमेशा जो पीछे जो प्रत्यय जुड़े होते हैं वो डायरेक्ट आपके शब्द के साथ में लग जाएगा। अब अक का कोई अर्थ नहीं होता, सीधा ये पाठ में जुड़ के पाठक बना देगा। इसीलिए प्रत्यय में हमेशा जो प्रत्यय लगेगा उसका कोई अर्थ नहीं होगा, जैसे अक का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो सीधा शब्द का निर्माण कर देगा प्रत्यय। लेकिन उपसर्ग सीधा शब्द का निर्माण नहीं करेगा, पहले आपको उपसर्ग का अर्थ पता होना चाहिए कि वो क्या है और उसी से आप पता लगाओगे। अब आपको कैसे पता चला, अतिरिक्त तो मैंने कह दिया लेकिन अतिरिक्त का आपको अर्थ ही पता नहीं लगेगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये उपसर्ग है या क्या है। तो अतिरिक्त का अर्थ होता है अधिक। तो इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं तो आपको इन सभी उदाहरणों को